GD110 का जो मसला होता है कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होती है, जिससे आप लोग जब भी किसी स्पीड ब्रेकर से गुजरते हैं तो ये बाइक नीचे लगती है। दरअसल ये वही वाली बाइक है, 2021 मॉडल है। इसको ये हेडलाइट चेंज की है, रिंग लगाया और वाइजर लगाया है। अब इसका मसला ये है ग्राउंड क्लियरेंस का, तो इसके लिए भी जैसा कि सुजुकी GS150 के लिए स्पेसर वगैरह बना के लगाए हुए हैं, तो आज ये GD110 को भी स्पेसर लगाने वाला हूँ मैं। इसका इंशाल्लाह ग्राउंड क्लियरेंस का मसला बहुत ज़्यादा हल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये काम मैं करता हूँ, फिर आप लोगों से शेयर ज़रूर करता हूँ कि पहले क्या फ़र्क था अब क्या फ़र्क है। शॉक्स वगैरह हैंडल इसका सबसे पहले रिमूव किया है, हैंडल रिमूव करने के बाद शॉक का ये वाला नट रिमूव किया है। उसको हटाने के बाद सांस मुझे चढ़ गई है, ये शॉक्स को खींच कर नीचे किया है। बाइक इतना ऊंचा इस तरह से हुआ कि इसके नीचे ये देखें स्टैंड के नीचे दो इंटें रखी हैं, फ्रंट ऊंचा हो गया। शॉक्स को नीचे लेके आए, अब ये स्पेसर इसके अंदर लेके आएंगे, स्पेसर यहाँ पे टाइट करेंगे। अभी जगह नहीं बनी, अभी मज़ीद जो है ना शॉक्स नीचे जाएंगे तो फिर जाके ये लगने की जगह बनेगी। शॉक्स इसका अच्छा खासा नीचे आ गया, अब ये स्पेसर इस जगह पर आएगा। ये देखें आप, स्पेसर इस जगह पर आके फिट होगा। इसको फुल टाइट कर देना एक बार, देखें आप। अब मैं इसको फुल टाइट करता हूँ, फिर शॉक्स को वापस ऊपर लेके आएंगे। ये देखें इसको मैंने टाइट कर लिया है। इसको टाइट करने के लिए मैंने एक चाबी इसके लिए तैयार की हुई है। देखें इसको कट डाल के, देख रहे हैं आप, इस तरह से कट डाल के बनाई हुई है ताकि इसको जब भी टाइट करना हो तो बड़े आराम से। ये आप देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसके ऊपर भी मैंने कट डाले हुए हैं। ये देखें इसमें ये चाबी फंस गई और इससे ये टाइट हो जाता है। तो ये अपनी जगह पे फुल टाइट हो गया। इसको टाइट करने से पहले शॉक्स को ये नट जो है इसको दोबारा फिर से एक बार टाइट किया था, ये फुल टाइट हो गए स्पेसर। अब ये वाला लूज़ करके शॉक्स ऊपर लेके आऊँगा, शॉक्स ऊपर लेके आके शॉक का ऊपर वाला नट लगाऊँगा और काम ओके। तो स्पेसर वगैरह लग गए, फाइनल हो गया। अब इसको चला के इसको चेक करेंगे, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस चेक करेंगे। फील वक्त तो हमने मेजरमेंट की है, तकरीबन 1.5 इंच का फ़र्क पड़ा है। तो 1.5 इंच का जो फ़र्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाता है। आप देखें कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कितनी बेहतर हो गई है और बाइक देखें फ्रंट से कितनी ऊंची हो गई है। देखें आप, पहले ये चीज़ ही अब ये चीज़ हो गई है, ठीक है। फ्रंट से बाइक ऊँची हो गई है, हैंडल आप देखें इसका आपको कितना ऊँचा ऊँचा फील हो रहा होगा। अब इस बाइक को चलाते हैं, इसको चलाने के बाद बाइक के जो ओनर हैं उनका एक रिव्यू लेंगे कि भाई पहले क्या था अब क्या है। कि इसकी जो ये स्पीडोमीटर केबल है ये छोटी हो गई थी, तो जो सुजुकी GS150 स्पेशल मॉडल है, स्पेशल एडिशन है, SE की केबल इसको मैंने लगाई है, ये स्पीडोमीटर की जो एग्जैक्ट पूरी पूरी आ गई है। और उसके अलावा ब्रेक की केबल भी इसकी छोटी हो गई है, ये इसकी ब्रेक की केबल है। तो फिल वक्त मैंने एक जुगाड़ किया, ब्रेक केबल इसको लगाई है यामाहा की। इसको सुजुकी जो सिंपल है ना, सुजुकी 150 सिंपल वाली, उसकी ब्रेक केबल बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगी। तो अब उसकी ब्रेक केबल लेके मैंने इसको वो लगानी है। उसके अलावा भी फिल वक्त इसकी ग्राउंड क्लियरेंस चेक की जाएगी एक दो दिन बाद ये बाइक आएगी, फिर इसकी ये ब्रेक केबल भी चेंज करूँगा। तो फिर बाइक का रिव्यू लेके आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगा।